हवारी स्टेडियम के समीर फैमिली दंत चिकित्सालय के डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने अपने क्लिनिक में कार्य करने वाली 24 वर्षीय युवती की हत्या कर क्लिनिक के बगल में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट के पीछे धवारी स्टेडियम के निकट दंत चिकित्सालय के डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने अपने यहाँ काम करने वाली 24 वर्षीय लड़की की दिसंबर 2020 में हत्या कर अपने ही क्लिनिक के बगल में बड़ा गड्ढा करवाकर उसमें दफन कर दिया और भारी मात्रा में नमक डाल दिया। साथ में कुत्ते की बॉडी भी उसी में दफन कर दी गई, जिससे कि अगर दुर्गंध आए तो ये लोग यह समझें कि दुर्गंध कुत्ते की बॉडी से आ रही है। पूर्व में जब लड़की के परिजन अपनी लड़की को ढूंढने क्लिनिक आए तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी द्वारा यह कहकर लौटा दिया गया कि आपकी लड़की की नौकरी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में लग गई है, वह वहां कार्य कर रही है। लेकिन जब परिजनों ने इसकी रिपोर्ट गुमशुदगी की थाने में दर्ज कराई तो सिटी कोतवाली पुलिस उस दिन छानबीन करती रही, लेकिन जब आशुतोष त्रिपाठी को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि लड़की और डॉक्टर के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते लड़की डॉक्टर पर शादी का दबाव बना रही थी और इसी की वजह से डॉक्टर ने सुनियोजित तरीके से लड़की को रास्ते के हटाने की सोची और मास्टरमाइंड तरीके से घटना को अंजाम दे दिया। उनको बहानेबाजी करके बता देता था कि लड़की दूसरी जगह काम करने लगी है और दो तीन दिन में आ जाएगी। बार बार जो आके इससे पूछते थे हमको मिलवा दो, तो इसे किसी न किसी बहाने से वो टरका देता था। तो घर वालों को ये था कि शायद ये अन्य कहीं काम करने लगी है। 1 फरवरी को इनने जाके थाने में रिपोर्ट किया, जिस पर से गुम इंसान कायम करके उसकी जांच PI कोतवाली द्वारा की गई। जांच के दौरान इससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में तो इनकार करता रहा, लेकिन काफ़ी पूछताछ के बाद इसने जो है अपना जुर्म कबूला है और उसकी हत्या करना बताया, जिस पर से हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी के मेमोरेंडम से 100 बरामद अपने कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थित में 100 बरामद किया जा रहा है। सर आखिर प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है इसमें? हाँ, इसमें ये अभी आरोपी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है।